देखिए, कोई खुली छूट नहीं दी गई, चाहे शर्जील इमाम हो या भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, देशद्रोह के मुकदमे करे हैं। ये भारत तेरे टुकड़े हो 1000 इस नारे पर अब तक दिल्ली सरकार ने देशद्रोह के कलम की परमिशन नहीं दी थी, अब मिल गई है और उस पर भी कार्यवाही हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिसने भी देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है, नरेंद्र मोदी सरकार कोई गोताही करे बगैर कठोर से कठोर सजा हो इसके लिए कटिबद्ध है। मगर ये मामला लॉ एंड ऑर्डर और देश की एकता और अखंडता है का है। मैं मेरी जिम्मेदारी जिस प्रकार की है इसमें ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता। आप दिल्ली के दंगों के बाद जो दंगाई हैं इन पर जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है इसका एक बार स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इससे कठोर कार्यवाही कभी हो नहीं सकती। और शर्जील इमाम जो आपकी चैनल ने सबसे पहले ब्रेक किया था, उसके उस भाषण को भी हमने षड्यंत्र के मामले में लेकर देशद्रोह का मामला भी लगाया है और उन पर स्टॉन्च एक्शन भी लिए हैं।